हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब टाइम एंड वर्क, ठीक। वर्क टाइम एंड वर्क्स पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे कहेगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कहेगा कि ए और बी है और सी, तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। तीन व्यक्ति हैं, ए कह रहा है कि हम 10 दिन में काम करते हैं, ठीक। ए बोला है 10 दिन में काम करते हैं, बी बोल रहा है मैं 20 दिन में करता हूँ, और सी बोलेगा कि मैं 30 दिन में काम करता हूँ, ठीक। मतलब यह मेरा क्वेश्चन कैसे कहेगा कि कहेगा ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में काम करता है, और सी जो है 30 दिन में काम करता है, ठीक ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो हम पहले कहेगा कि ए जो है 10 दिन में करता है, और बी जो है 20 दिन, और सी जो है 30 दिन में करता है, ठीक है। तो हम इनका क्या करते हैं, तो यह जो दिया रहेगा हमारा डे में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डे, ठीक, डे दिया रहेगा। तब हम क्या करते हैं, अब हमको बताओ कि पहले टोटल काम निकालेंगे हम इसमें, पहले मालूम करें कि टोटल मेरा कितना काम है, ठीक। ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है, सी जो है 30 दिन में करता है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जब तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कुल काम निकलता है, कुल काम निकलेगा, ठीक है। कुल काम निकलेगा, क्या निकलेगा, इन तीनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल काम निकलेगा, मतलब कुल काम निकलेगा, ठीक है। और कुल काम निकलेगा तो इन तीनों के एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। मेरा कुल काम कितना है भाई, 60 है। इसका मतलब कि ये जो है 10 दिन में करता है, और टोटल कुल काम कितना है, 60 है, ठीक, 60 है। तो बताओ ये जो है 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कार्य कितना किया होगा, 6 काम किया होगा, ठीक। बी जो है 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम निकला। और सी जो है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा, ठीक। तो जो एक दिन की काम निकलती है उसे हम इफियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता। मतलब ए की जो है एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है, बी की जो है एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, और सी की जो है एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, ठीक है। अब बताओ अगर हमने एक एक लोग को बुलाएंगे तो एक आदमी को एक एक लोग को बुला रहे हैं, अगर एक लोग को बुला रहे हैं तो एक दिन में 6 काम हो रहा है, टोटल काम 60 करना है, तो कितने दिन लगेगा, 60 बटे 6 कर देंगे, 10 दिन लग रहा था, ठीक। कह रहा था ना एक 10 दिन में करता है, इसी प्रकार बी देखो, बी बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम करने में कितना लगेगा समय उसको, 20 दिन, बी को लगा था 20 दिन। और सी के देख लो, सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम 60 है, 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लग रहा था, दिया था। अगर हमने जब अलग अलग बुला रहे हैं व्यक्ति को, तो ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में काम करता है, और सी जो है 30 दिन में काम करता है, अगर हम इन तीनों को अगर एक साथ बुलाए तो काम मेरा जल्दी होगा, ठीक। तो हम क्या करें, इन तीनों को एक साथ काम करेगा, तो अगर तीनों एक साथ काम किए हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेगा, यह क्वेश्चन हमके पूछेगा, ठीक। कहेगा कि ए अगर तीनों को एक साथ बुला दिया जाए, मतलब तीनों एक तीनों है, तीनों एक दिन में कितने काम करेंगे, देखो 6 3 9 9 2 11, मतलब एक दिन में कितने काम किए, 11। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, 11 काम किए हैं, और टोटल काम कितना है मेरा, 60 है। तो 60 काम करने के लिए कितना, तो 60 बटे 11, 11 डे में करेंगे, मतलब 60 बटे 11 दिन में करेंगे, तो इसको हम 5 सही 5 बटे 11 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अगर तीनों अगर काम करेंगे तो 5 सही 5 बटे 11 दिन में काम को पूरा कर देंगे, ठीक। अगर यही कह देगा नहीं हम ए को ना बुलाकर बी और सी को बुला रहे हैं, तो काम कितने, कहेगा कि ए को ना बुलाकर बी प्लस सी को बुलाएगा, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो यह दोनों मिल जाएंगे, तो 5 काम हुआ, एक दिन में 5 काम हुआ, टोटल काम कितना है भाई मेरा, 60 काम है, तो यह कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, ठीक। बी प्लस सी मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करोगे, 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अगर यह कह दिया नहीं हम बी को ना बुलाएंगे, बी
अगर हमसे यह कह दिया बी को ना बुलाकर ए और सी को बुला दे, तो ए जो है ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों काम एक दिन में कितने करेंगे, 8 काम, और पूरा टोटल काम 60 करना है, तो 8 से भाग देंगे कितना होगा, 15/2, मतलब 7 सही 1/2 दिन में करेंगे, कौन भाई, ए प्लस सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर है, अगर बी को ना बुलाकर ए प्लस सी को बुलाएगा तो 7 सही 1/2 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक, हमने क्या देखा कि हमने अगर हमारी यह जो निकलती है इफिशियंसी निकलती है, ठीक, टोटल काम हम अगर इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो मेरा टोटल काम निकलेगा, और एलसीएम अकेला ए और बी लोग है ना, ए अकेला जो कर रहा है 12 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, और बी अकेला 15 दिन में काम करता है, ठीक ना, ए जो है 12 दिन में और बी जो है 15 दिन में काम करता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो मेरा क्या निकलता है, कुल काम मतलब टोटल काम, तो कुल काम कितना हुआ भाई, कुल काम कितना हुआ, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, और 60 मेरा कुल काम है, ठीक है, कुल काम कितना है 60, ए जो है 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा भाई, 5 काम किया हुआ, इफिशियंसी निकल जाएगी, और बी जो है 15 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 4 काम किया हुआ, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, ए और बी, ए और बी अगर मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बताओ ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे, और टोटल काम कितना है, 60 है, 60 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/9 कर देंगे, काटेंगे 20/3, मतलब 6 सही 2/3 डे में, कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2/3 डे में पूरा कर देंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये किसी काम को, मतलब ये जो ए और बी है दो लोग हैं, ये कह रहा है कि हम 20 दिन में काम करते हैं, और बी कह रहा है कि हम 30 दिन में काम करते हैं, कितने दिन में, 30 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो बताओ ए जो है 20 दिन में काम को पूरा करता है, बी जो है 30 दिन में काम को पूरा करता है, या देखो मेरा डे निकलता है, क्या निकलता है, डे हमने बताया था, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा टोटल काम निकलेगा, तो कुल काम कितना हुआ भाई, कुल काम निकाल लो पहले, कुल काम कितना हुआ, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 हुआ, टोटल काम मेरा कितना है, 60, तो ए जो है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 3, इफिशियंसी निकल जाएगी, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, एक दिन की कार्य कम ए की जो एक दिन की कार्य करने की क्षमता हो 3 है, और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यह मेरा क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दे तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, तो एक दिन में 5 काम किए हैं ए, ए और बी एक दिन में कितने काम किए, 5 काम किए, और हमको टोटल काम कितना है, 60 है, तो एक दिन में 5 काम किए हैं तो 60 60 काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो हम क्या कहेंगे, 12 दिन, कितना दिन लगा, 12 दिन, 12 दिन में ए और बी मिलकर काम को पूरा कर देंगे, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, ठीक, और बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, ठीक, ये मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, पूछा है हमसे ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक, अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, तो हम 12 दिन में काम को पूरा करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, जब हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमको मालूम है कि मेरा कुल काम निकलता है, तो बताओ कुल काम कितना हुआ, मतलब टोटल काम कितना हुआ, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हुआ, ठीक, 60 हुआ, 60 मेरा मतलब कुल काम कितना है, मेरा 60 है, ठीक है, कुल काम कितना है, 60 है, तो सिंपल है, इफिशियंसी निकाल दें, इफिशियंसी तो बताओ ए प्लस बी 12 दिन में काम को पूरा करते हैं तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, 5 काम किए होंगे,
बी प्लस सी एक दिन में कितने काम किए होंगे, 3 काम किए होंगे, और सी प्लस ए एक दिन में कितने काम किए होंगे, 4 काम किए होंगे। ठीक देखो जैसे कि अब यह ध्यान देना, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम, सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है यह ध्यान है, अगर हम इन तीन दोनों इनको जोड़ेंगे तो देखो डबल डबल लोग काम कर रहे हैं, डबल डबल लोग काम कर रहे हैं। ठीक है तो एक इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। ठीक तो बताओ जब हमारे जैसे डबल डबल लोग, 3 लोग हमारे जैसे डबल डबल लोग काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है एक दिन में, 12 काम हो रहा है। अगर हमारे जैसे सिंगल लोग करेंगे तो कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक जब हमारे जैसे डबल डबल लोग काम कर रहे हैं तो एक एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, अगर हमारे जैसे सिंगल लोग काम करेंगे तो तीनों तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम। अब बताओ टोटल काम मेरा कितना है, 60। तो 60 काम को पूरा करने में एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 60 काम पूरा करना है तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ठीक है 10 दिन लगेंगे। ठीक है मेरा ऑप्शन कौन सा ऐसा होगा, 10।